यूपी के किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, गेहूं का एमएसपी बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में पहली मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होकर 15 जून तक चलेगी। सरकार ने 2275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि गेहूं की बिक्री हेतु किसानों को खाद एवं रसद विभाग के पोर्टल, विभाग के मोबाइल ऐप यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। किसानों से अनुरोध किया गया है कि गेहूं को ओसाकर मिट्टी, कंकड़, धूल आदि को साफ कर अच्छी तरह से सुखाकर ही क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए लेकर जाएं। इस वर्ष बटाईदार किसानों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेहूं की बिक्री की जा सकेगी। गेहूं खरीद के लिए किसानों का खाद एवं रसद विभाग के पोर्टल पर 1 जनवरी 2024 से ऑनलाइन पंजीयन शुरू है। अब तक 10 लाख किसानों ने पंजीयन करा लिया है। रविवार और अन्य अवकाशों को छोड़कर 15 जून तक क्रय केंद्रों पर प्रतिदिन गेहूं खरीद सुबह 9 से शाम 6 बजे तक होगी। सरकार ने निर्देश दिया है कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। किसी भी समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 1800 1800 150 जारी किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसान जिला खाद विपणन अधिकारी या तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं सीएम योगी ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, प्रिय अन्नदाता किसान बंधुओं, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 से 25 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। गेहूं का मूल्य भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से 48 घंटे के अंदर सीधे आप लोगों के आधार लिंक खाते में करने की व्यवस्था भी की गई है। मुझे प्रसन्नता है कि बटाईदार किसान भी इस वर्ष पंजीकरण कराकर अपने गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। 1 मार्च यानी कल से 15 जून 2024 तक गेहूं खरीद के दौरान आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, यह हमारी प्राथमिक वरीयता है। आप सभी की समृद्धि और खुशहाली डबल इंजन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। आप सभी को बधाई हो।